आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज मध्य प्रदेश, मैं हूं इमरान। आखिर इस बेसहारा बेबा का क्या दोष, अंध दर्पण में कोई सुनने वाला है? शिवराज के राज में एक बेवा पर कॉलेज प्रशासन की यह कार्यवाही पूर्णता निंदनीय है, जिसकी आलोचना पूरे शहर में हो रही है। कार्यवाही के बाद कांग्रेस ने किया शिवराज सरकार पर तीखा हमला। पति द्वारा बसाया हुआ आशियाना कॉलेज प्रशासन द्वारा किया गया ध्वस्त। छतरपुर जिले के लवकुशनगर में विगत 40 वर्षों से निवासरत विधवा महिला पति स्वर्गीय लक्ष्मण कढ़ेरे शासकीय कॉलेज के पास पहाड़ी पर अपना आशियाना बनाकर रहती थी। पति लक्ष्मण कढ़ेरे की मृत्यु हो जाने पर बेचारी बेवा बेसहारा हो गई। कॉलेज प्रशासन ने सभी मानवीय कानूनी मूल्यों की अवमानना करते हुए बिना नोटिस एवं बिना लिखित सूचना के मकान के साथ साथ गृहस्थी का सामान व 40 वर्षों से लगाए गए पेड़ पौधे एवं फलदार वृक्षों को उखाड़ फेंक दिया। जबकि राज्य सरकार बेसहारा गरीबों को आवास मुहैया कराती है, वहीं कॉलेज प्राचार्य द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही अशोभनीय प्रतीक होती है। जबकि गरीब महिला के पास नगर परिषद की मकान टैक्स, शौचालय, बिजली का बिल व अन्य जरूरी दस्तावेज है, जो इस बात को बताते हैं कि वह कितने सालों से वहां पर रह रही है और नगर परिषद द्वारा उसको मकान नंबर भी दिया गया था। आखिर इस बेसहारा महिला का क्या दोष है? बस वह बेसहारा है, वह बेबा है, जिसके आशियाने को रोदने वाले ताकतवर है, जिन्हें सरकार का तंत्र कहा जाता है। लव कुशनगर से एमपी 7 न्यूज के लिए आशांक सिंह। घर गिर गया, वो का होगा? किसने गिराया आपका घर? वो नहीं ने गिराया, साहब ने, उनने। कौन साहब? दोहरे साहब ने। दोहरे साहब कौन है यहाँ के? कॉलेज वाली है। अच्छा, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं? हाँ। अच्छा, कितने साल से आप रह रही थी यहाँ पर? 40 साल से रह रहा, जब बनो ना तुझे मकान, वो ना बनो तुझे कॉलेज ना बनो। अच्छा, कॉलेज नहीं बना था? तो आप ये बताएं कि आप मकान टैक्स जमा करती रही? टैक्स जमा होते रही, सब कराते रही, सबका जो सामान सब होता था हमारा। अच्छा, जो प्रधानमंत्री से जो लेटर पास हुई थी वो आपको मिली थी? हाँ। अच्छा, वो भी तोड़ दी? सब तोड़ दो। तो आपको कोई सूचना दी थी? कुछ सूचना नहीं दी थी हमें, कोई सूचना नहीं दी? कोई नहीं है, आपकी अपना मर्जी उनकी गिराई। तो अब आप कहाँ रहेंगी? अब कहाँ रह भी, अब जहाँ सब जाने बताए हैं सूर्य अभी नहीं तक फिर इतना धरूरी रह जाओ जितनी धो रहे। तो अभी जो जानकारी हुई है, मैं विधवा महिला रहती थी रामबाई नाम की, उसको लगभग वहाँ रहते हुए 30 से 40 साल हो चुके हैं, इतने वर्ष में वहाँ निवास कर रही है। और जैसा कि जानकारी है कि यदि 30 साल कोई व्यक्ति स्थायी रहे तो उस पर उसका मालिकाना हक हो जाता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उसको बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस के उसके मकान में बुलडोजर चलवाना एक तानाशाही रवैया है ये शिवराज सरकार का। एक और तो ये बात करते हैं कि हम गरीब की सरकार है, गरीब को न्याय देंगे, हम गरीबों को पट्टा देंगे, हम गरीबों को आवास देंगे, और एक बना बनाया 40 वर्ष का गरीब महिला, विधवा महिला का आवास पर जिस प्रकार से बुलडोजर चला दी जा रही है, बहुत निंदाजनक है। और जो जानकारी है कि वो 40 वर्ष से लगातार नगरीय प्रशासन को उस मकान का जो कर है, जो टैक्स है, वो देती चली आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि यदि जब आप टैक्स वसूल कर रहे हैं तो बुलडोजर क्यों चलवाई गई, और यदि वो अवैध था तो फिर टैक्स किस बात का वसूल कर रही है प्रशासन, इसका भी प्रशासन को जवाब देना चाहिए। ये दोनों बात इकट्ठी तो हो नहीं सकती हैं, या तो फिर प्रशासन जो टैक्स वसूल कर रही थी वो चोरी है, या तो फिर वो लोग स्थापित थे वो गलत है। और दूसरी, जो प्रधानमंत्री एक बड़ी योजना चल रही थी शौचालय की, उस जगह पर शौचालय भी बना हुआ है शासकीय योजना का, फिर भी उस महिला को बिना किसी जानकारी, बिना किसी सूचना के उसके मकान में बुलडोजर चलवाना, ये एक तानाशाह रवैया है इस सरकार का। और
यदि उस महिला को उचित न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित ही हमारे लोकप्रिय क्षेत्रीय विधायक तक इस बात को रखा जाएगा और आगामी विधानसभा सत्र में इस चीज़ को लवकुश नगर का एक मुद्दे को विधानसभा में गूंजेगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बरसों बीत जाते हैं आसियाना बनाने में, इन्हें जरा भी दर्द नहीं होता है उस आसियाना को गिराने में।